नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर के लड़ाकू विमानों में खास स्थान रखने वाले राफेल लड़ाकू विमान को आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में गुरुवार 10 सितंबर को शामिल किया गया है। इस मौके पर तमाम लोग भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने पर खुशी जता रहे हैं और बताया है कि इससे वायुसेना की ताकत में बहुत इजाफा होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि पाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस पर ट्वीट किया। धोनी ने उम्मीद जताई है कि राफेल लड़ाकू विमान मिराज 2000 की सर्विस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। आईपीएल 2020 की तैयारियों के बीच धोनी ने दोपहर को राफेल को लेकर ट्वीट किया। धोनी ने 10 सितंबर को राफेल लड़ाकू विमान को लेकर एक के बाद एक दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में लिखा, फाइनल इंडक्शन सेरेमनी के साथ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर पायलट मिलेंगे। हमारे पायलटों और भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। धोनी ने दूसरे ट्वीट में लिखा, शानदार 17 स्क्वाड्रन को शुभकामनाएं और हम सभी को आशा है कि राफेल फाइटर प्लेन मिराज 2000 के सर्विस रिकॉर्ड को तोड़ देगा, लेकिन सुखोई मेरा फेवरेट बना हुआ है। बता दें, गुरुवार को अंबाला के इंडियन एयरफोर्स बेस में राफेल फाइटर प्लेन की इंडक्शन सेरेमनी आयोजित की गई। इसमें वाटर कैनन सैल्यूट भी इन लड़ाकू विमानों को दिया गया, जिसमें पानी की बौछार हुई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली इसके गवाह बने। इनके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना और रक्षा मंत्रालय के तमाम बड़े अफसर इस समारोह का हिस्सा बने थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।